नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिंह चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। आज है ट्यूजडे और आज हम लोग जानेंगे एक साई डिवोटी का एक्सपीरियंस। इनको जो है काफी महीनों से ही एक्चुअली शेयर करना था, बट कोई प्रॉब्लम की वजह से ये शेयर नहीं कर पा रहे थे। बट एनीवेज रिसेंटली उन्होंने शेयर किया है एंड आई एम श्योर आज का जो एक्सपीरियंस है ये बहुत लोगों ने आज के इस जो कोरोना वायरस का मतलब इतना थैमान हो रखा है हर जगह पे वर्ल्ड में, यू नो हर सिटी में, स्पेशली अभी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आई एम श्योर कि बहुत लोग जो है इसमें से गुजर चुके होंगे। तो आप जरूर इस एक्सपीरियंस को भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं मेल पढ़ रही थी तो सच में मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। बट जो भी है, जो हम बाबा के डिवोटीज हैं वगैरह, जो भगवान को भी मानते हैं, तो बस हम लोग जो है प्रे करते रहेंगे और जो है ट्राई करेंगे, प्रे करेंगे और बोलेंगे बाबा को, भगवान को, कि जल्दी से है सारा सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाए। सो ये डिवोटी का नाम है मौमिता चौधरी जी, ठीक है। ये दिल्ली में रहती है और इनके पेरेंट्स है, उनके फादर का नाम है उत्पल चौधरी और मदर का नाम है सुषमा चौधरी जी, ठीक है। तो इनके पेरेंट्स से रिलेटेड, इनके फादर से रिलेटेड ये एक्सपीरियंस है। ये इनके पेरेंट्स जो है ये कोलकाता में रहते हैं, ओके। तो बात ये हो गई कि लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर में, दिसंबर के महीने में आई गेस कुछ 9th of December को इनके फादर को जो है 19th of December को इनके फादर COVID-19 टेस्ट के पॉजिटिव, मतलब उनका रिजल्ट आया, ठीक है। तो इनको लगा ठीक है ट्रीटमेंट वगैरह लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बट तभी से ही जो है इन्होंने और इनके मॉम ने जो है साईं बाबा का प्रेयर वगैरह सारा सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था। मौमिता जी जो है ये खुद 6 साल से मतलब साईं बाबा की डिवोटी रही हैं, तो उनको बाबा पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा भरोसा था इन सारे सभी चीजों पे, तो उन्होंने प्रेयर वगैरह स्टार्ट कर दी। बट क्या हुआ ना, 23rd December को उनकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा और खराब होने लग गई और उनको जो है कोलकाता के MR बंगूर इस हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट करा गया। तो अभी वहां पे उनको एडमिट किया, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे उनका मतलब इलाज वगैरह चल रहा था, सारा सब कुछ हो रहा था, और यहाँ पे इन लोगों का भी मतलब साईं बाबा का प्रेयर्स वगैरह जो भी ये कर पा रहे हैं, उनकी मामा और मौमिता जी दोनों सारा सब कुछ कर रहे थे। बट पता चला कि हालत ठीक होने की वजह ना बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी उनके पापा की तबीयत। तो उनके हॉस्पिटल से जो है उनको फोन आया, उनको बताया गया कि आपके जो है पापा की हेल्थ है जो बहुत खराब हो रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी इतना कम हो गया है और उनके ब्रेन तक जो है ऑक्सीजन पहुंच भी नहीं पा रहा है। तो उनको जो है हम लोग अभी ड्रिप लगा रहे हैं, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, सारा सब कुछ ऑक्सीजन लगाया हुआ है, ठीक है। तो इनको जो है बहुत मन कर गया, इन्होंने जो है वीडियो कॉल करा, तो वीडियो कॉल के दरमियान इनको पता चला कि उनके पापा की तबीयत इतनी खराब है, तो खांसी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ साथ ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो लगा हुआ है, बट उनके पापा ना मतलब ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा, तो वो चीजें भूल रहे थे। मतलब इनफैक्ट जब इन्होंने वीडियो कॉल भी करा तो तभी भी मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये किन से बात कर रहे हैं, बेसिकली ये सारा सब कुछ भूलते जा रहे थे, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे उनके वाइफ को और मौमिता जी जो कि उनकी डॉटर है उनको। तो इनको जो है ये बहुत डर लग गया और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, मतलब क्या चल रहा है। और मौमिता जी कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा था कि बाबा का तो हम सारा सब कुछ प्रेयर सब कुछ कर रहे हैं, मैं कहाँ कमी पड़ रही हूँ, मैं क्या करूँ अभी कैसे। बट उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने जो है वो हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। बहुत बार हम लोग ऐसे सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं और हमको ऐसे लगता है कि हम ये करें वो करें कि क्या ना करें, और ऐसे इसमें काफी कुछ हम लोग गलत चीजें गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। बट मौमिता जी ने और उनकी मामा जो है सुषमा चौधरी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया कि उन्होंने बस निडर होके बाबा पे फेथ रखा और कंटिन्यू जो है बाबा की प्रेयर चालू रखी, ठीक है। तो उस दिन मौमिता जी का कहना था, जिस दिन उन्हें फोन कॉल आया और जब उन्होंने देखा कि उनके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, उस रात जो है वो सोई नहीं, कंटिन्यू बाबा के सामने जो है वो बैठी नहीं थी और उनको प्रे कर रही थी कि बाबा जल्दी से जो है मेरे पापा को आप ठीक कर दो, जल्दी से रिकवर कर दो। और उसी टाइम पे क्या हुआ ना, तो फिर सारा सब कुछ प्रेयर वगैरह चल रहा था ये वो, बट होता है ना अभी मतलब हम थके हुए भी रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, तो फिर बाबा का मतलब नाम जाप कर रहे हो या प्रेयर भी कर रहे हो, तो उस दरमियान फिर थोड़ी सी हमको जो है आंख लग जाती है, नींद लग जाती है। तो वो आधी नींद में थे मौमिता जी
तो उनका कहना है कि उस टाइम पे जो है अचानक जब वो आधी नींद में थे तो उनको क्या दिखा कि जहाँ पे उनके पापा है जिस हॉस्पिटल में जहाँ पे जिस बेड पे वो है उसके पीछे, जैसे कि समझो ये बेड है तो उसके पीछे हेड साइड पे ये जो वॉल होती है उस पे उनको ना बाबा ऐसे दिखे, ठीक है, उनके पापा के पीछे वाले वॉल पे। तो वो देख के और उनका ये कहना है कि ये उनको 3 बार हुआ, मतलब उतने टाइम में, ठीक है, 3 बार उनको ऐसे बाबा दिखे। तो एकदम जब उनको नींद खुली उनकी तो उनको लगा कि अच्छा चलो ठीक है हम प्रेयर कर रहे हैं, और ऐसे ड्रीम में बाबा का आना वो भी उनके पापा के हॉस्पिटल के बेड के पीछे वाले वॉल पे, दैट मीन्स इट इज द अश्योरेंस ऑफ कि बाबा है, बाबा प्रेयर सुन रहे हैं। तो देखिए अभी बाबा ने उनको कैसे इंडिकेशन दिए कि आपने डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है ऐसे सिचुएशन में कौन परेशान नहीं होगा, सारे सभी परेशान हो जाते हैं और बहुत हमारे मतलब धड़कन बढ़ जाती है और डर लगा रहता है कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन ही इतनी गंभीर थी। तो बाबा ने पहले ऐसे करके ना उनको इंडिकेशन दे दिया कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं तुम्हारे बाबा के पास हूँ और मैं टेक केयर कर रहा हूँ करके। तो इनको थोड़ा सा दिलासा आया और इनको और थोड़ा मतलब एंथुसियास्टिक ये हो गए, थोड़ा एनर्जेटिक हो गए, इनको लगा कि हाँ अभी और मुझे करना चाहिए, बाबा है, अभी शायद सारा सब कुछ सही हो ही जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा। तो ये और मतलब जो भी वो कर पा रहे थे उनकी मामा और मौमिता जी कंटिन्यू प्रेयर्स वगैरह इनके चल ही रहे थे। फिर उसके बाद ना इनको और आधी नींद में और एक चीज दिखी, और वो ये दिखा इस बार कि सेम वॉल पे बाबा दिख रहे हैं, बट इस बार ना बाबा ने स्माइल किया था, ठीक है, तो स्माइल किया था तो एकदम से इनकी आंखें खुल गई, इनको लगा अरे बाबा ने स्माइल किया, मतलब शायद अभी सारा सब कुछ जो है सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कंटिन्यू इनका प्रेयर जो भी है सारा सब कुछ चलता रहा, और उसके बाद इनकी नींद भी नहीं हुई थी तो ये जो है थोड़ा सा सो भी गए, ठीक है। पर सोने के बाद अचानक से फिर उस मॉर्निंग में उनको मॉर्निंग ही में उनके मामा का फोन आता है और फिर उनको जो है वो बताती है कि अरे हॉस्पिटल से फोन आया है करके, और पापा की जो है तबीयत अभी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ गया है। उसी दिन इनको खुद को मौमिता जी को हॉस्पिटल से फोन गया कि आपके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी है, पता नहीं कैसे हम लोग भी शॉक में है, बट आपके जो है पापा की ऑक्सीजन लेवल बढ़ गई है, उनको सारा सब कुछ याद भी है, वो बात भी कर रहे हैं, और उनका ड्रिप वेंटिलेटर सारा सब कुछ जो है हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो ये सुन के जो है मौमिता जी को, मतलब उनकी माँ को, सुषमा जी को, दोनों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इतना रिलीफ मिला। आप सोच सकते हैं कि मतलब जब ऐसी न्यूज आती है, मिलती है कि अपना जो है जो अपने पास वाले जो पर्सन है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, जो भी है, यहाँ पे तो उनके खुद के फादर ही थे, तो मतलब जब ऐसे होता है तो कितनी ज्यादा खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहा होगा। तो ये बहुत ज्यादा खुश हो गए, उन्होंने मन से जो है बाबा को एकदम बहुत सारे धन्यवाद दिए, और आज तक नहीं पता कि मतलब जब हम लोग के लाइफ में ऐसे बाबा मिरेकल्स करते हैं, ऐसे सारा सब कुछ एक्सपीरियंस हमें देते हैं, तो कैसे उनका शुक्रिया अदा करें, ये सच में हमें समझ में नहीं आता। तो फिर ऐसा सारा सब कुछ हुआ, बट फिर भी मौमिता जी को ना एकदम ये हो रहा था, क्योंकि लास्ट उनकी जब बात हुई थी तभी उनके पापा उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, बट देन शी फेल्ट लाइक कि मैं वीडियो कॉल करती हूँ, देखती हूँ कि सारा सब कुछ ठीक है क्या। फिर उन्होंने जो है आफ्टरनून के टाइम पे अपने पापा को वीडियो कॉल किया और उन्होंने देखा तो सच में जो है उनके पापा उठ के बैठे हुए थे, उनको ना कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, ना उनको खांसी आ रही थी, ना ही उनके ड्रिप थे, ना ही उनका ऑक्सीजन का कुछ भी वहां पे लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था उनके बॉडी पे, वो बहुत अच्छे थे और अच्छे से जो है वीडियो कॉल पे उनसे बात भी कर रहे थे। तो ये सारा सब कुछ देख के, ये अनुभव करके, तो उनका जो है सच में खुशी का ठिकाना नहीं था, और ये सारा सब कुछ जो है उनका कहना है कि ये बाबा को ही जाता है, कुछ भी करके ये बाबा ने ही किया है, क्योंकि जहाँ पे लास्ट एंड डे तक मतलब बाबा की जहाँ पे पापा की हालत कंटिन्यू खराब होती जा रही थी, वहां पे यू नो इट वॉज अ मिरेकल कि एक ही रात में, ओवरनाइट में मतलब ये सारा सब कुछ हुआ है, ठीक है। सो डेफिनेटली मौमिता जी, आई अंडरस्टैंड यू, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बाबा के मिरेकल्स और एक्सपीरियंसेस ऐसे ही होते हैं जहाँ पे हम लोग यू नो एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं, सारा सब कुछ छोड़ देते हैं, बट बाबा पे फेथ रखते हुए कंटिन्यू जो है उनको प्रे करते हैं, तो बाबा जो है अपने भक्त की पुकार डेफिनेटली सुनते ही है, और जो है सारा सब कुछ उनकी जो भी विश है वो जरूर पूरे करते हैं। तो ऐसा था मौमिता जी का एक्सपीरियंस। मौमिता जी ने अपनी फोटो, अपने पेरेंट्स की फोटो, उनके घर पे जो उन्होंने बाबा की फ्रेम्स भी लगाई हुई है, फोटो लगाई हुई है, उन सारी सभी जो है पिक्स की
फोटो मेरे साथ शेयर करी हुई है जो कि मैं आप सारे सभी को भी दिखा रही हूँ, तो आप जो है वीडियो के एंड में उनको देखना मत भूलिएगा। तो आज का एक्सपीरियंस यही था। और एक बात बताना चाहती हूँ दर्शकों, मुझे माफ करिएगा, मैंने यहाँ पे जो है अभी ज्यादा क्लोथ्स नहीं लाए हैं, मतलब ट्रेडिशनल क्लोथ्स नहीं लाए हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी आप जो है मुझे ऐसे ही कोई भी मतलब जिस भी गेटअप में मैं वगैरह रहूंगी, ऐसे मतलब यू नो लाइक शर्ट है, टॉप वगैरह पहन लिया है वगैरह, उस पर स्कार्फ वगैरह चुनी लेके मतलब ऐसे ही दिखूंगी, तो प्लीज आप पूरा मत मानिएगा। सो आई होप आज का एक्सपीरियंस आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो डेफिनेटली जरूर शेयर करिएगा, मैं सबके साथ जो है एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूजडे विद अ न्यू साई एक्सपीरियंस। ओम साईराम।